भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान धन्वंतरी तथा माता महालक्ष्मी एवं कुबेर भगवान का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार धनतेरस का पर्व कब रहेगा, धनतेरस का पूजन कार्य आपको कब करना है एवं धनतेरस की खरीदारी कब करना है, यमराज के लिए दीपदान कब करना है। क्योंकि कतिपय पंचांगों में धनतेरस का महापर्व 22 अक्टूबर बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में धनतेरस का महापर्व 23 अक्टूबर बताया गया है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि प्रदोष व्यापिनी धनतेरस जिस दिन होती है, यानी त्रयोदशी तिथि उस दिन होती है, उसी दिन धनतेरस का महापर्व मनाना चाहिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के माध्यम से भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जो प्रणेता है वो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता महालक्ष्मी एवं कुबेर का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा मृत्यु के अधिष्ठाता देवता यमराज का जो है पूजन करके उनके लिए दीपदान किया जाता है। लंबी उम्र के लिए धनतेरस के दिन दीपदान किया जाता है। समुद्र मंथन के माध्यम से भगवान धन्वंतरी धातु का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की विशेष परंपरा है। इसके अलावा आभूषण खरीदने की भी परंपरा है और नया सामान खरीदने की विशेष परंपरा इस दिन है। धनतेरस के दिन धन की देवी माता महालक्ष्मी का भी विशेष पूजन किया जाता है एवं कुबेर भगवान का भी इस दिन अर्चन किया जाता है। इस बार धनतेरस का महापर्व कुछ पंचांगों में 22 अक्टूबर, कुछ में 23 अक्टूबर बताया है, क्योंकि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उसका आरंभ 22 अक्टूबर 2022 शनिवार की शाम को 6:02 से होगा, जो कि 23 अक्टूबर 2022 रविवार की शाम को 6:03 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि प्रदोष व्यापिनी जिस दिन त्रयोदशी तिथि हो उसी दिन जो है धनतेरस का पर्व मनाना चाहिए। इस बार दोनों ही दिन त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष तिथि सायंकाल के समय है, प्रदोष काल में प्रदोष तिथि है। तो चूंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दोनों ही दिन यदि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो तो आपको अगले दिन यानी दूसरे दिन की जो है प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी तिथि को धनतेरस में मान्य करना चाहिए। अगर आप हमारे मत के अनुसार धनतेरस का पर्व मनाना चाहते हैं, धनतेरस का पूजन अर्चन करना चाहते हैं, तो सर्वोत्तम जो धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का महापर्व रहेगा वो 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन रहेगा। धनतेरस के दिन प्रातः काल से लेकर के देर रात्रि तक खरीदारी करने की विशेष परंपरा है तथा शाम के समय प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपदान किया जाता है और इसी के साथ में आयुर्वेद के प्रणेता समस्त औषधियों के स्वामी भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन इस दिन करना चाहिए। जितने भी चिकित्सा के प्रतिष्ठान होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उनमें धन्वंतरी भगवान का धनतेरस के दिन विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। तो अगर आप सर्वोत्तम धनतेरस मनाना चाहते हैं तो दूसरे दिन की यानी 23 अक्टूबर 2022 को सूर्योदय व्यापिनी त्रयोदशी तिथि है, सायंकालीन व्यापिनी त्रयोदशी तिथि है तथा इसी दिन जो है शाम के समय विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसलिए धनतेरस का पर्व 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन ही मनाना चाहिए। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में
जो पंचांग होते हैं या कैलेंडर होते हैं उनमें धन त्रयोदशी 22 अक्टूबर 2022 शनिवार को बताई है। तो शनिवार के दिन भी आप धन त्रयस का यानी धन त्रयोदशी का पर्व मना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि है, इसलिए दोनों ही दिन धनतेरस मनाने में कोई दोष नहीं रहेगा। तो आप अगर शुभ मुहूर्त देख करके खरीदारी करना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त देख करके भगवान धनवंतरी या माता महालक्ष्मी या कुबेर भगवान का पूजन अर्चन करना चाहते हैं, तो धनतेरस के जो शुभ मुहूर्त रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। 22 अक्टूबर 2022 शनिवार के दिन धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त होगा वो सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर के 9 बजे तक रहेगा, तथा दोपहर का जो मुहूर्त आरंभ होगा वो 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का रहेगा, तथा शाम का जो मुहूर्त होगा वो 6 बजे से शुरू होकर के 7:30 बजे तक रहेगा, तथा रात्रि के समय 9 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक धनतेरस की पूजन का एवं खरीदारी का शुभ मुहूर्त रहेगा। इन मुहूर्तों में आप खरीदारी कर सकते हैं, पूजन कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्योदय व्यापिनी जो धनतेरस है वो 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन रहेगी, इसलिए आप यदि 23 तारीख को धनतेरस मनाते हैं तो धनतेरस का सबसे पहला शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर रविवार के दिन सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगा, तथा दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक दूसरा मुहूर्त रहेगा, तथा शाम को 6 बजे से 10:30 बजे रात्रि तक तीसरा मुहूर्त धनतेरस की पूजा एवं खरीदारी के लिए शुभ रहेगा। धनतेरस के दिन नया काम या मांगलिक कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इस दिन आप नए सामान की खरीदारी कर सकते हैं, जैसे भूमि, भवन, नया घर या नए आभूषण की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही आप यदि वाहन खरीदते हैं तो वह भी बहुत शुभ रहेगा, और ध्यान रखें कि इस दिन किसी भी प्रकार से कोई ऐसी वस्तु की खरीदारी बिल्कुल न करें जो आपके लिए जीवन के लिए हानिकारक हो, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, सीधा सीधा लोहा खरीदना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा कांच या कांच से बनी वस्तुएं भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसी तरह एल्यूमिनियम, जिन्हें जर्मन के बर्तन कहा जाता है, वो भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए, तथा धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीदारी करना भी अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन पीतल खरीदना बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन यदि आप सोने या चांदी के आभूषण खरीदते हैं तो आपके घर में जो है सुख शांति समृद्धि कई गुना वृद्धि को प्राप्त करती है, और आपके घर में महालक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद करके लाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और इस दिन झाड़ू का विशेष पूजन अर्चन भी किया जाता है, तथा मंदिर में देव स्थान में इस दिन झाड़ू का दान करने से हमारे घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होता है। धनतेरस के दिन शाम के समय प्रदोष काल में यानी शाम को 5:37 से लेकर के रात को 9 बजे तक जो है प्रदोष काल में विशेष पूजन अर्चन धनतेरस का करना चाहिए। जिस प्रकार हम महालक्ष्मी का पूजन दीपावली की शाम को या रात्रि के समय करते हैं, उसी तरह हमको धनतेरस के दिन भी माता महालक्ष्मी एवं कुबेर भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, तथा इस दिन आप भगवान धन्वंतरी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि हम लंबी उम्र के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम आरोग्यता की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी से इस दिन प्रार्थना करते हैं कि हमें आप उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, क्योंकि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, दवाइयां हैं, औषधियां हैं, उन सबके स्वामी भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य दिवस धनतेरस माना जाता है।
इसलिए इस दिन माता महालक्ष्मी के साथ साथ हमको धन्वंतरी भगवान का भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। समुद्र मंथन के माध्यम से जो 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, उसमें एक रत्न अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान भी प्रकट हुए थे। तो धन्वंतरी भगवान साक्षात नारायण के स्वरूप माने जाते हैं, विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं, और इनका पूजन अर्चन धनतेरस के दिन सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। धनतेरस के दिन अपने मुख्य द्वार के समीप आपको जो है दीप दान करना चाहिए। दीप दान पूरे परिवार को मिलकर के करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन जो दीप दान हम करते हैं उससे हमारे परिवार पर कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, यानी असमय किसी भी की भी मृत्यु नहीं होती है। सभी पारिवारिक सदस्यों को लंबी आयु प्राप्त होती है और हमें कभी भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता है, यानी किसी भी परिस्थिति में हम नरक में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त कोई भी यदि दीप दान करता है तो उस मनुष्य को जो है यमराज सताते नहीं है। यमराज इस दिन दिए गए दीप दान से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सभी को धनतेरस के दिन यमराज की प्रसन्नता के लिए दीप दान अवश्य करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको धनतेरस की जो जानकारी प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।